rolling. Day 657. Today was a good day. They say that if you keep telling yourself over and over again that it will be a good day. It will be a good day. Aaj achha din tha. Aaj maine wo affirmations wala process wo bhi kiya. Priya says that just put positivity out in the universe. Priya, who I met at the therapist office. Priya, who understood me when no one else did. Priya, who knew what to say, but nobody else did. Priya and I have been friends for the past 2.5 years. She's been out of depression and she says, if I can, why can't you? Well, logic to say, yeah. But when I told her about my story, she said that you're just doing it for attention. Probably. But at least she said it to my face. Just say, for example, my sister, Sia. Uske liye to main bas embarrassment hu. Jab bhi meri shakal dekhti hai, uski shakal sad jati hai. Kam se kam Priya ne mujhe muh pe to bol diya. That's fine. But aisa nahi hai ki main shuruaat se aisa tha. Main school mein acha tha. Wo ladke hote hain na jo sab kuch kar lete hain, jo best hote hain, jo bhi wo kar rahe hote hain. Wo tha main. But pata nahi ekdam ajeeb si sadness chha gayi. Laga chali jayegi par 7 saal ho gaye aur kahin nahi gayi. शुरुआत में अपने आप को बिस्तर से बाहर खींच लेता था पर फिर बाद में मम्मी की ज़रूरत पड़ने लग गई एंड माय मॉम सेज यू बीन एन इजी चाइल्ड और पिछले 7 साल से मैंने पूरी कसर कर ही दी पूरी मेरी मॉम को तो जैसे मिशन ही हो गया था मुझे ठीक करना लोग उनको कुछ सजेशंस देते वो मुझ पर आजमाती वेजिटेबल्स खा लो फ्रूट्स खा लो ट्रैवल कर लो हॉबी ढूंढ लो मैं करता भी था बट इंटेंट गलत नहीं है किसी का पर उनको लगता है कि जैसे मैं ही अब प्रॉब्लमैटिक हूँ मैं ही ठीक होना नहीं चाहता ऐसा नहीं है मैं जितना अपने बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ उससे ज़्यादा खुश होने की कोशिश करता हूँ आई डोंट वांट टू बी अ प्रॉब्लम फॉर माई मॉम डैड सिया किसी के लिए भी I genuinely want to be an example for them. मैं genuinely खुश होना चाहता हूँ I want to try. और ऐसा नहीं है कि I don't have happy days. I do. कहाँ से आते हैं क्यों आते हैं कब आते हैं पता नहीं बट जब आते हैं दे लाइक गिफ्ट्स दे रियली आर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं सुबह बिस्तर से अपने आप उठ गया मैं बाहर आया तो मॉम डैड और सिया की छुट्टी थी आज संडे सो आई सेड ब्रेकफास्ट करने चलते हैं एंड दे वर हैप्पी एकदम से जैसे मैंने बोल दिया डिज्नीलैंड चलते हैं वो वाली खुशी थी एकदम से हम गए बाहर हमने ब्रेकफास्ट किया ब्रेकफास्ट देखने के बाद पापा ने बोला कोई एक्शन मूवी लगी है वो देखने चलते हैं वो एक्शन मूवी देखने गए मुझे बहुत बेकार लगी बट मैंने कहा अच्छी है क्योंकि सब खुश थे उसके बाद सीए ने कहा पास में एक आर्केड जोन था उसने कहा वहाँ चलते हैं आर्केड खेलते हैं आर्केड मैंने बहुत सालों से नहीं खेला बट आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम एंड आफ्टर दैट सीए सेड भैया आप कितने कूल हो बड़े साल बाद ये सुना मैंने बड़ा अच्छा लगा उसके बाद हम घर आए घर आने के बाद उसने कुछ अजीब सी नेटफ्लिक्स सीरीज दिखाई मुझे पसंद नहीं आई मैंने कहा तुझे नहीं देखना चाहिए सब उसने कहा भाई आप बुढ़े हो चुके हो ठीक है ग्रेट उसके बाद आई वेंट टू हर बेडरूम आई ड्रॉप्ड हर गुड नाइट बोल के आया मॉम डैड को भी गुड नाइट बोल के आया
And today is the day I've decided to end my life. It was perfect. It was perfect. मैं नहीं चाहता आप लोग मुझे sad, depressed, problematic, रंजन की तरह याद रखें. I'm a happy child. मैं वही लड़का जो हर चीज़ में best था, मैं वो हूँ. मैं अभी भी वो हूँ. मैं अंदर है वो अभी भी. 7 साल हो गए हैं बात को, but just remember me for today. That is who I am, no one else. I know I've been a pain in the ass, but just maybe for today, please, that's the only gift I could give you. मैंने बहुत रिसर्च करी और मुझे ये सोल्यूशन मिला उस चीज़ का. हाँ, मैं जाऊँगा तो अब लोग मुझे बहुत प्यार करते हो. यू विल डेफिनेटली मिस मी. आई विल मिस यू टू. आई लव यू. आई लव यू सिया. आई लव यू मॉम डैड. मम्मी टेंशन मत लेना, मैं खुश हूँ जहाँ पर भी हूँ. बिस्तर से अपने आप उठ जाऊँगा शायद अब. आई लव यू.